अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरा ना ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है, बट मैंने शेयर ही नहीं किया था, मैं भूल गई थी एक्चुअली में। सो मैंने आज शेयर कर दिया आपके साथ। और मैं गई थी बाहर थोड़ी सी ना ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए, और बहुत ही कुछ ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें साथ में। ना जोया काफ़ी तंग कर रही थी कि मुझे ना डॉक्टर्स वाला प्ले सेट चाहिए। तो वो जैसे वो कार्टून वगैरह में देखते हैं ना, तो उनको देख के उसका दिल जा रहा था खेलने को। और मैंने यहाँ पे देखे तो यहाँ पे कुकी सेट और ये कुछ डिफरेंट किस्म के प्ले सेट पड़े थे। और ये देखे इस तरह, ये भी टॉयज़ फ्रूट्स वाले भी, बट डॉक्टर्स वाला नहीं मुझे मिला। मैंने काफ़ी देखा। इब्राहिम तो जब भी जाए ना, वो अपना डायनासोर ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं से। और बस डॉक्टर सेट हमें नहीं मिला, मैं 2-3 जगह पे देखा। उसके बाद जो है ना, मैंने उसको कुकी सेट लेके दिया, और साथ में मैंने ये बेकिंग के लिए चीज़ें ली थी। तो फिर मैंने उसको समझाया कि हम ना यहाँ पर बेकिंग करेंगे और कप केक्स बनाएंगे, सो डॉट परी। तो वो काफ़ी खुश हो गई थी। और मैंने देखा ऑनलाइन काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है उस टॉय सेट के, बट स्टोर में मुझे नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन ले लेंगे। और कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो ले ली, और पिज़्ज़ा कटर तो मेरे पास था ही नहीं, तो मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। और ये भी मैंने ले लिया था, ये जो कपकेक के ऊपर आप स्टाइल मार लो। और ये एक मैंने लाइट ली थी, ये तो स्पेशली मैंने ली थी अपने किचन के लिए। तो अंडर काउंटर ना लाइट थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा वहाँ ट्राई करते हैं। और ये कुकी सेट लिया जोया के लिए, और फिर जोया काफ़ी खुश हुई, माशाल्लाह उसके साथ खेलती रही। अपनी प्ले डो से ना वो चीज़ें बनाती थी, और फिर ये जो कुकी के डिफरेंट शेप साइज़ थे इनके साथ वो कट कर लेती थी। और ना इनकी टीचर भी ठीक नहीं है, तो वो इस वीक भी नहीं आई, और आई थिंक नेक्स्ट वीक भी वो नहीं आएंगी। तो बस सारा हफ्ता ना ये ऐसे घर में ही। तो बस यहाँ पे ना मैंने इसको लालच वगैरह लगा दिया था, इब्राहिम तो बाहर जाओ ना थक जाता है और फिर गाड़ी में सो जाता है। तो बस फिर मैंने आराम से ये सेट की चीज़ें। तो ये भी पतली सी एक लाइट में लेके आई थी, मैं सोचा था इसको लगाऊंगी अंडर काउंटर, ये बहुत इजी काम है, ऐसे बटन दबाओ तो चल जाता है। बट ये नहीं सही बैठ रही थी उसके नीचे, तो फिर मैंने इसको ऐसे यहाँ पे डिकोर के तरह लगा लिया। और फिर वो जो दूसरी लाइट थी ना, वो मुझे सही लगी थी क्योंकि वो स्पेशली अंडर काउंटर के लिए हैं। और ये जो है ना, एक इस साइड पे लगाऊंगी मैं, दूसरी साइड पे। और इनकी यहाँ पे एक चिप होती है, उसको हटा दो तो बाकी वो जो चिपक जाता है ऊपर। और साथ में ना इनका कील वाला ऑप्शन भी था कि आप वो भी ठोक लो, बट कील वाला जो है ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती। यहाँ पे जो घरों के ओनर्स हैं ना, वो आपको इतनी इजाज़त नहीं देते कि आप इतनी ज़्यादा कील ठोक के इधर ऐसे काम करो, और मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किया हुआ है ऐसा काम। तो मैंने सोचा मैं बस इसको ऐसे चिपका लेती हूँ, बट ना ये आई थिंक आधे घंटे के बाद नीचे पड़क गिर गया था। और फिर सारे हंसते हैं मेरे ऊपर जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ। अच्छा जी, आज डिनर में भाईजान बनाने हैं आलू चिकन शोरबे वाला। तो उसमें जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालता है ना, वो ये फ्रेश वाला इस तरह कूट के फिर ही डालता है, और पेस्ट हालांकि बड़ा भी हो तो ये नहीं डालता। और खैर यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपसे कहती थी कि ना अपनी रेसिपी की ना खुद ही वॉइस ओवर दिया करो, अच्छे से समझाया करो, ताकि जो भी है तो वो समझ आए सब लोगों को। तो मुझे आगे से शो मार के कह रहा था कि जिस दिन तुम्हारी वीडियो पे 100 कमेंट्स आएंगे ना और 1000 लाइक्स आ जाएंगे, तो फिर मैं वॉइस ओवर करूँगा। खैर चेक करो शोखियाँ। यहाँ पे ना प्याज को हल्का सा फ्राई किया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था, और फिर आलू डाल दिए, ठीक है। तो वो हमेशा जब ये बनाता है ना सालन, उसमें अभी कोई मिर्ची नहीं डालनी, सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर हमने सारा आलू और चिकन को फ्राई करना है, और इसका जो है ना सारा पानी वगैरह निकल जाएगा, तब तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। साथ में टमाटर भी यहीं पर डाल देना, ठीक है। अभी तक कोई स्पाइस नहीं ऐड की है, बट बाकी चीज़ें ये सारी डाल दी हैं। और इसको जो है ना अच्छे से हाई हीट पे पहले फ्राई किया है, और इसके बाद इसको ढक्कन दे के रख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्याज भी और टमाटर भी गल जाएगा, चिकन का सारा पानी भी निकल आएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना इस तरह हो गया हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने स्पाइसेस डालेंगे, ठीक है। और सारे वही बेसिक स्पाइसेस जो हम सारे खानों में डालते हैं, तो मैं यहाँ पे साथ में मेंशन भी कर दूँगी, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और इनको डाल के बस फिर हमने हाई हीट पे काफ़ी देर, आई थिंक 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करना है, और अच्छे से ना इस मसाले में भूनते रहना है, ताकि सारा मसाला जो है ना बोटियों के अंदर तक, आलुओं के अंदर तक चला जाए, और इनके ऊपर ना बड़ा प्यारा सा कलर भी आ जाए, ठीक है।
और ना मेरा तो बहुत फेवरेट है शोरबे वाला सालन। आप लोग में किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे ना फ्राई करने के बाद डाला था दही, और दही जो है ना वो क्या करता है कि सारे मसाले को और अच्छे से ना रिच बना देता है इसके फ्लेवर को खाने के अंदर। तो इसको जो है ना दही को आपने हमेशा रूम टेम्परेचर वाला ऐड करना होता है, फिर वो फुटियाँ सी नहीं बनती। अगर ठंडा है दही तो उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें, या फिर बाहर रख के उसको थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें और फिर ऐड कर लें, या फिर आप स्टोव को बिल्कुल लो करके ना फिर ऐड कर लें। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है दही जब भुन गया था ना अच्छे से, उसके बाद हमने पानी डाला है, और पानी उतना डाल लेना है जितना भी शोरबा बनाना है। और बस जो है कि बाबा कहते होते हैं नहर वाला सालन बन गया है आज। और यहाँ पे जो है ना इसको हमने बॉयल होने देना है पानी को, ताकि पानी भी पक जाए। और बस हमेशा जो है ना मेरा भाई इसको इस तरह पकाने के बाद थोड़ी देर दम पे लो आंच पे रखता है, आई डोंट नो क्या रीज़न है बट या। उसके बाद जी ये देखें आके इसके अंदर डाला था गरम मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था। तो आप यहाँ पे चेक भी कर लो अपना नमक बोटी आलू सब कुछ, वैसे तो इतनी देर हो गई है और नरम हो ही जाता है। सो इजी है चिकन बनाना। तो ग्रीन मिर्ची डाली और बस ये हमारा सालन तैयार हो गया था। साथ में मैंने क्या किया, मैंने चावल बॉईल कर लिए हुए थे, और मुझे तो चावल जो है ना बहुत पसंद है इस तरह शोरबे वाले सालन के साथ। आय हाय हाय क्या मज़ा ही आ जाता है कसम से। और ना मैंने साथ में बनाई थी ये तंदूरी वाली रोटी, और ये तो सबको ही बहुत पसंद है, तो बस फिर ये भी बना ली और जल्दी मैं बना लेती हूँ। अब मुझे तरीका आ गया है, तो ये देखें कितनी प्यारी बनी ना माशाल्लाह। और ज़ोया इब्राहिम भी बड़े शौक से ये वाली रोटी खा लेते हैं, उनको लगता है ये पिज़्ज़ा रोटी है। तो थोड़ी थोड़ी मैं उनको ऐसे पकड़ा दूँ ना तो वो थोड़ी थोड़ी ऐसे ही खा लेते हैं पिज़्ज़ा रोटी समझ के। और बस ऐसा खाना हो ना शोरबे वाला तो मैं अपने भाई से कहती होती मिर्च भी ना बस नॉर्मल से ही डालना, ताकि मैं आलू या बोटे वगैरह साफ़ करके ज़ोया को भी खिला दूँ। और ये वाले जो सालन है ना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छे भी नहीं लगते, नॉर्मल से स्पाइस वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इब्राहिम तो बिल्कुल भी नहीं खाता, उसको तो ज़रा सी भी नहीं मिर्ची खाई जाती। बट यार ज़ोया को जो है ना मैं हमेशा अब अपने साथ थोड़ा सा सालन वगैरह देती हूँ कि इस तरह सालन लगाओ रोटी के साथ, और जिस तरह बाबा मामू सब लोग खा रहे हैं ना उस तरीके से खाओ। तो बस अभी वो खुद से रोटी भी खा लेती है और बाकी सीख रही है सालन के साथ खाना। और यहाँ पर ये देखें मैंने सब चीज़ें रखी हॉट पॉट पर, तो हमारा ये काम भी हो गया था। अच्छा मुझे ना सैलड बहुत पसंद है, मैं खानों में ज़रूर थोड़ा सा बना लेती हूँ जल्दी से, इस तरह काटा और लगा लिया रोटी के साथ। और प्याज तो अक्सर ही मैंने काट के रखे होते हैं फ्रिज में, तो वो मुझे बहुत ही ईजी लगते हैं। और बस खीरे को इस तरह, तो खाने का जो है ना मज़ा आ जाता है थोड़ा सा भी सैलड हो तो। और यहाँ पे देखें जी मैंने सालन डाला, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर था, टेस्ट था, एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट, और बड़ा ही मज़ा आया खा के। तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना, और मेरे भाई की रेसिपीज ना सच में बहुत स्पेशल और मज़े की होती हैं। आई मीन आई डू वेरी नॉर्मल कुकिंग, बट उसकी जो कुकिंग है ना उसका थोड़ा सा लेवल ऊँचा ही होता है, और हमारे घर में बहुत पसंद भी किया जाता है। खैर आप लोग भी थोड़ी सी तारीफ कर देना ताकि खुश हो जाए वो। और अब देखना अगर उसने व्लॉग देख लिया ना तो फिर मेरे पास आ जाएगा पूछने, तो मेरे बारे में ऐसी कह रही थी। खैर मैं कौन सा डरती हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ यू नो। तो यहाँ पे यार मैं चावल, अभी मेरा वॉइस ओवर करते हुए इतना दिल चाह रहा है खाने को। बट खैर हम लोगों ने डिनर किया यहाँ पे, उसके बाद रात को सोने से पहले मेरे पास कुछ लॉन्ड्री थी तो मैंने कहा फोल्ड कर लूँ, और जो है मेरी हेल्प कराते कराते माशाल्लाह खुद ही सीख गई है, तो ये देखें वो खुद ही कर लेती है छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं उसको दे देती हूँ। और एक तो उसको शौक बहुत है, दूसरा ये है कि बच्चे सीखते हैं यू नो, चलो थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं इस तरह के कामों में। ये इस तरह वो अपना ट्राउज़र भी कर लेती है और बड़ी अच्छी सी शर्ट भी कर लेती है, ये देखें माशाल्लाह बेटियाँ कितनी सियानी है ना माशाल्लाह। कसमें इतनी थोड़ी सी अकल मेरे बेटे को भी अल्लाह दे देता। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको आज का व्लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।